जब भी किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो ये छात्रों को की आत्मा को जैसे लगता है कि कुचला गया है, ये भविष्य के को बेचा गया है, सपनों को कुचला गया है ऐसा लगता है, क्योंकि मेहनत करते हैं। जब कोई शिक्षा माफिया सेंध लगा देता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। सरकार को चाहिए कि ये कड़ा कानून बनाए जिसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो शिक्षा माफियाओं को, और स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, और अगर कोई अभ्यर्थी भी इस तरह की हरकत करता है, सेटिंग करवाता है, तो उसको भी पकड़ा जाए, उसको भी सजा हो 10 साल की। बिहार में सिपाही बहाली को लेकर जिस तरीके से पहली पाली की परीक्षा हुई उसमें पेपर लीक हो गया, ऐसे में CSBC ने तीनों पेपरों को कैंसिल कर दिया, तो वहीं एग्जाम की तिथि अभी तक तय नहीं हुई है। इसी बीच बता दें आपको कि शांतनु दिलीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके बाद हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं शांतनु दिलीप, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, पेपर को कैंसिल कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं पेपर लीक हुआ? देखिए, सबसे पहले तो पेपर लीक बहुत दुखद घटना है। जब भी किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो ये छात्रों की आत्मा को जैसे लगता है कि कुचला गया है, उनके भविष्य के को बेचा गया है, सपनों को कुचला गया है ऐसा लगता है, क्योंकि मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते हैं ईमानदारी से, और जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनको ये उम्मीद होती है कि हमारी मेहनत वहाँ रंग लाएगी और हम सफल होंगे। लेकिन जब कोई शिक्षा माफिया सेंध लगा देता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। तो पहले भी ये घटना हो चुकी है, ऐसा नहीं कि पहली घटना है, इससे पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। तो पहले जो हो चुका है उससे गलती से सबक सीखना चाहिए और आगे न हो इस तरह की घटना, इस पे विचार होना चाहिए। BPSC में पेपर लीक हुआ, उसके बाद BPSC ने सुधार किया, अभी देखिए बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है। तो वही चीज़ CSBC को करना चाहिए, इससे पहले भी पेपर लीक हुआ CSBC की परीक्षाओं में, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं, कदम नहीं उठाया। हम लोग बार बार जाके कहते रहे लेकिन कुछ नहीं किया, और अब फिर पेपर लीक हुआ। अभी भी उनके चेयरमैन कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो कम से कम अब ये लोग संवेदनशीलता दिखाएं और स्टूडेंट्स के हित में फैसला लें, और सरकार को चाहिए कि ये कड़ा कानून बनाए जिसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो शिक्षा माफियाओं को, और स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, और अगर कोई अभ्यर्थी भी इस तरह की हरकत करता है, सेटिंग करवाता है, तो उसको भी पकड़ा जाए, उसको भी सजा हो 10 साल की। जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा ना तब तक इन लोगों का मन बढ़ा ही रहेगा, और अगर कोई सरकारी नौकरी में तो उसकी नौकरी समाप्त हो, सारा संपत्ति उसका जब्त हो, और स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा हो, और साथ ही जो व्यवस्था BPSC ने अपनाई है परीक्षा कंडक्ट करने, वही व्यवस्था CSBC द्वारा अपनाया जाए, जैसे बायोमेट्रिक, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग, CCTV कैमरा से निगरानी, ये सारी व्यवस्था की जाए, और परीक्षा समाप्ति के बाद OMR सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो, ये होना चाहिए। और फिजिकल टेस्ट भी लेते हैं तो उस समय लिखित रूप में उनको मार्क्स बताया जाना चाहिए। दिलीप जी, सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुई उसके बाद SK सिंगल जो है अध्यक्ष CSBC के, वो कहते हैं ऐसा कोई बात ही नहीं है, पेपर लीक ही नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया, जो विभाग है आर्थिक अपराध इकाई उसने जांच किया, जिसके बाद बातें सामने निकल गया, उसके बाद देखिए। तो आर्थिक अपराध इकाई को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उनके पास जो भी हम लोग सूचना भेजते हैं, जानकारी भेजते हैं, तो उस पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है, संवेदनशीलता दिखाई जाती है और ईमानदारी से कार्रवाई की जाती है। नहीं तो CSBC तो लीपापोती करना चाह रहे थे। CSBC के तो कहना है कि भाई कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। ये तो समझिए कि कई जिला से जो SP का रिपोर्ट आया, वहाँ अलग अलग जिला से SP का रिपोर्ट आया, वहाँ से जो FIR की कॉपियाँ आई, और जो अभ्यर्थियों द्वारा, हमने भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया था कि आप वहाँ भेजिए, बात कीजिए सर से, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अलग अलग जिला से भेजा है। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने बहुत अच्छी मतलब संज्ञान लिया, बहुत तुरंत कार्रवाई हुई है। क्या लगता है कोई बड़ी मछली इसमें है? बड़ी मछली देखिए, जब तक बड़ी मछलियां नहीं होगी तो ये छोटे छोटे लोग कहाँ से क्वेश्चन ले आएंगे? ये जिला वाले में, अलग अलग जिला में ये औकात है किसी का कि पेपर लीक करा लेगा, ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब कि कोई ना कोई बड़ी मछली है, या बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, मछली ही नहीं मछलियाँ हैं। तो जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे तो इस तरह की घटना होती रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, पकड़े भी जाते हैं लोग ना तो उनके मन में डर नहीं है, उनको लगता है क्या कि हम तो बाहर हो जाएंगे, 6 महीना साल भर में हो जाएंगे, तो इसलिए उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए पहले सख्त कानून भी बनाने की अब जरूरत है। बिल्कुल, सख्त कानून बनाने की जरूरत है, ऐसे में सजा मिलनी चाहिए जिसने पेपर लीक करवाया है। सिपाही बहाली को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था छात्रता दिलीप ने, तो वहीं जमकर निशाना साधे थे दलालों को लेकर, दलालों पर, तो वहीं बड़ी मछलियों का हाथ है कहीं ना कहीं इस पेपर लीक में। ऐसे में विभाग को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, और इसकी कड़ी जाँच होनी चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।